बाबा रामदेव आप केवल योग गुरु नहीं है, आप बिजनेस गुरु भी कहे जाते हैं अब तो मैं इससे पहले कि आपसे कोरोना से बचने के लिए योग से कोई उपाय पूछूं, क्या आपको लगता है कि देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है और लॉकडाउन इलाज हो सकता है? लॉकडाउन से किसी भी तरह से कोई बहुत बड़ा हित साधने वाला नहीं है। हाँ, लोग ये जरूर सावधानी बरते हैं कि जब भी भीड़ भाड़ के इलाकों में जाएं तब मास्क का इस्तेमाल करें, अनजान चीज़ों को छुएं तब सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और इससे भी बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने कार्यों को निष्पन्न करें। नया स्ट्रेन डबल ताकत के साथ आया है, तो अपनी इम्यूनिटी को डबल करने के लिए योग और आयुर्वेद की डबल डोज लें। एक और खास बात आपको ये कहना चाहता हूँ रोहित भाई, वैक्सीनेशन के बाद भी हमारे के डॉक्टर विपिन को, जो लखनऊ का बहुत बड़ा जो है मेडिकल कॉलेज डॉक्टर भी है, बड़ा हॉस्पिटल भी है, डबल डोज लेने के बाद भी, और यहां मैं ऐसे 100 से ज्यादा डॉक्टरों को जानता हूं कि कोरोना की डबल डोज लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है, तो क्या करें, ना लेने तो भी कोरोना हो रहा है। कोरोना एक बार जिनको हो गया था, 6 महीने के बाद उनकी जो अडेप्टिव इम्यूनिटी थी वो खत्म हो गई, वैक्सीन वाले भी 6 महीने के बाद जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो खत्म हो जाएगी, तो इननेट इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं? इसके लिए मैं सबसे कहूंगा कि वैक्सीन लगवाइए, सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क भी पहनिए, सब कुछ करते हुए योग आयुर्वेद को अपने जीवन में जरूर अपनाइए, खानपान पर ध्यान दीजिए, जंक फूड फास्ट फूड, जैसे एक वक्त था आज से 1 साल पहले लोगों ने अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए अब वापस अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया था, तो रोहित भाई वापस लोगों को अपनी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा, और नेचुरल तरीके से अपने बीपी, अपने हार्ट की प्रॉब्लम, अपने आस्थमा, अपने शुगर, अपने लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स, अपने ओबिसिटी, अपनी इम्यूनिटी, इसको ठीक करना पड़ेगा। यदि ये चीजें हमने कर ली तो फिर कोरोना का चाहे कितना ही नया अवतार आ जाए, कितने ही चारों तरफ से तबाही भरी कोरोना का कोहराम जो आप अभी कह रहे थे, कितना ही कोरोना का कोहराम बचे, हम इन सब के बीच में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रखते हुए देश की समृद्धि की गति को भी हम बरकरार रख पाएंगे रोहित भाई। लेकिन 1 साल बीत चुका है, पिछले साल मार्च का ही लगभग समय था जब आप टीवी पर आते थे और लोगों को बताते थे ये योगासन करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, वो वक्त दोबारा आ गया क्या? दोबारा से लोगों को वो संदेश, वो संकेत देने होंगे कि क्या क्या आपको घर पे करना चाहिए जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन रोहित भाई मैं वापस आज तक पर आया हूं, जो देश में सबसे दूर तक जाता है, सबसे तेज चैनल है, तो सबसे तेज रफ्तार से कोरोना वापस आया, तो मैं सबसे कहूंगा वापस योग करना शुरू कर दें और मात्र 2 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, मात्र 5-10 मिनट कपालभाति कर लीजिए, 5-10 मिनट अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत 5-10 बार, ओम। यदि हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, तो शीतली शीतकारी, ऊंचाई, ये एलर्जिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, जिनको क्रोनिक अस्थमा है, जिनको क्रोनिक बीपी शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज्यादा, जिन इम्यूनिटी वीक है, लिवर किडनी की क्रोनिक प्रॉब्लम है, उनको प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, उसमें उज्जाई करना कतई ना भूलें, गले को टाइट करके सांस भरा साउंड के साथ और होल्ड करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ा। रोहित भाई हमने कोरोना का से बचाव किया, करोड़ों लोगों को बचाया, होने के बाद उसको मिटाया, उसके कॉम्प्लिकेशंस को दूर किया, और मैंने जिनको SLE था, जिनको MS था, वो अभी मेरे पास यहां आए हुए पेशेंट, उन्होंने कोरोना को हराया, SLE MS तक को ठीक कर लिया, SLE MS कैंसर के पेशेंट, इनको भी हमने ठीक किया, उनका कोरोना भी ठीक किया। और एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे पास यहां पर वो पेशेंट भरते हैं जिनको
छह महीने पहले हुआ था, छह महीने बाद दोबारा हो गया, उनको भी हमने ठीक कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है, सारी दुनिया की चीजें, सारे डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, लॉकडाउन, वैक्सीनेशन एक तरफ है, आपकी जिंदगी आपके हाथों में, इसलिए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, योग आयुर्वेद को अपनाइए, अच्छा आहार, अच्छा विचार, ये आपका सबसे बड़ा संगी साथी है, हम सफर है। यदि ये चीज आपके साथ रहेगी तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और मैं उसका लाइव एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हूं, सैकड़ों कोरोना संक्रमित लोग मुझसे मिले, उन्होंने बाद में जाके मुझसे बताया, स्वामी जी हम तो कोरोना संक्रमित थे और मैं एक बार भी संक्रमित नहीं हुआ। इसका ऐसे में कोई असावधानी नहीं बरती, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, यदि आप ताकतवर हैं तो आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मनुष्य के में कोरोना से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा ताकत है, बशर्ते वो अपने आप को उभारे, योग आयुर्वेद से अपने आप को संभाले। रोहित भाई,